जैनब ज्यादा खुश है ना। शायान का झूला चल पड़ा है। शायान जी, तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आपकी मेजबान मानो एकदम शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद। आज का व्लॉग शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आज फ्राइडे का दिन है, उमर की छुट्टी थी और सुबह हम लोग तकरीबन 12 बजे के करीब उठे हैं। उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता किया और अपना नमाज वगैरह पढ़ी, उसके बाद अपने बच्चों को रेडी किया। अब हम घर से निकले हैं, थोड़ा घूमी घूमी करेंगे। आज का प्लान अभी तक कोई डिसाइड तो नहीं हुआ, लेकिन देखते हैं कि उमर कहाँ लेके जाते हैं। अभी हम उमर की शॉप के बाहर खड़े हैं, उमर को थोड़ा सा काम था शॉप पे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बच्चों के साथ गाड़ी में बैठो। मैंने कहा कि चलो इतनी देर तक मैं आपसे थोड़ी गपशप। अब शायान से पूछते हैं कि शायान आज कहाँ जा रहा है और उसका क्या इरादा है। अच्छा, सलार कौन है बेटा, बताओ जरा व्यूअर्स को। मेरा दोस्त है। अच्छा, जैनब देखते हैं पीछे क्या कर रही है। हेलो जैनब, हाउ आर यू? जैनब क्या कर रही है? आज का वेदर बड़ा जबरदस्त है, सनी सनी सा वेदर है। अब ये है कि उमर के आने के बाद ही डिसाइड होगा कि हम लोग आज कहाँ जा रहे हैं और क्या क्या करेंगे। और आज के दिन में जो भी हुआ मैं कोशिश करूंगी कि आपके साथ थोड़ी बहुत वीडियोस को मैं शेयर करूं। हाँ जी उमर, अब बताएं मुझे कहाँ लेके जाया जा रहा है हम लोगों को। जी तो आज छुट्टी का दिन है, तो अभी हम कामों से फारग हुए हैं। जी बिल्कुल। तो अब यही है कि बच्चों को लेके जाया जाए किसी पार्क वगैरह में ले जाए या किसी फन लैंड वगैरह में, देख ले जो भी आपको इजी लगता है। अब यही है कि रोड पे तो अभी फिलहाल हम किस एरिए में है? ये मनो आ गया है सदर, रावलपिंडी का इलाका है सदर, जहाँ पे हम रहते हैं। आज हम लोगों को उम्र निकलते हुए देर बड़ी होगी, वरना आज का दिन बड़ा मजे का था। लेक व्यू जाया जाता तो बड़ा अच्छा व्यू भी नजर आता और धूप भी बड़े मजे की वहाँ पे हम लोग इंजॉय कर सकते। चलो देखते हैं अगर। नहीं अब टाइम नहीं है, इंशाल्लाह आप कहीं और कहीं देख लें जहाँ आपको लगे कि थोड़ा बच्चे भी रिलैक्स हो जाए, एंजॉय कर लें। तो क्यों ना जिना पार्क जाया जाए? ठीक है उमर, मेरा ख्याल से जिना पार्क चले जाएं, वो हम लोगों को करीब भी पड़ेगा और वहाँ हम लोग एंजॉय भी कर सकते हैं। और ये रावलपिंडी का सबसे बड़ा पार्क है जिना पार्क। जी, और हमारे बच्चे तो बहुत एंजॉय करते हैं यहाँ पे जाके, है कि नहीं? शायान को हर दूसरे दिन दिल करता है कि मुझे जिना पार्क लेके जाया जाए। शायान खुश हो? शायान इतना खुश है कि उमर उसने जैकेट उतार दी है। ये सदर की माल रोड है और ट्रैफिक इस टाइम कितना है ना। बस ये रोड सीधी स्ट्रेट तकरीबन जाएगी जिना पार्क की तरफ। बिल्कुल। तो हम अपने रास्ते पे काम पसंद है। और अब ये नहीं कह सकते कि फ्राइडे को रश है या सैटरडे संडे को, अब थ्रू आउट पूरा वीक ही लोग बिजी रहते हैं और रोडें इसी तरह भरी रहती है ना। हाँ, 24 आवर, इवन के रात को 12 बजे भी आओ तो यहाँ पे इसी तरह रश। हाँ, ये रोडें खाली नहीं मिलेंगी। हाँ जी, और ये रोड और हम फंस गए। सही बात है। अच्छा वैसे उमर, आपको अपने बचपन की कोई यार याद हो? आप भी खुश होते थे पार्क वगैरह जाने के लिए या इतना नहीं? बहुत अच्छा टाइम था वो, उसमें इतना ज्यादा घूमने फिरने का शौक तो कम ही था। सही बात। लेकिन ये है कि घरों में आने जाना, मिलना जुलना, कजन वगैरह आ जाते थे तो उसपे बहुत मजा आता था। सही बात। आजकल जरा आना जाना कम है तो वैसा मजा नहीं लगता। बिल्कुल सही बात है, आपस में रिश्तेदारों में अब वो बात नहीं रही, आना जाना कम हो गया है। ये भी बच्चों की आउटिंग के लिए बंदा उनको बाहर ले जाता है कि चलो बच्चे थोड़े से रिलैक्स हो जाएं। जैसे लाइफ बच्चों के बस इर्द गिर्द ही घूम रही है। सही बात है, अदरवाइज इतना ज्यादा आना जाना नहीं। चले इंशाल्लाह कोई मीटअप करेंगे सबसे। और ये भी है ना कि उमर, अब हर इंसान अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गया है, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, अखराजात इतने ज्यादा, बस हर बंदा उन्हें ही पूरे करने के चक्कर में लगा हुआ है। सही बात। ये इस टाइम 4:18 हो रहे हैं और हम बिल्कुल
ट्रैफिक में स्टक हो के रह गए। ट्रैफिक है ही बहुत ज्यादा। अब तो ये है कि वेदर भी थोड़ा सा चेंज हुआ है, दिन में थोड़ा सा फर्क पड़ा है, दिन थोड़ा सा लंबा हुआ है, वरना ये है कि शाम एकदम हो जाती है। जैनब की मेहनत दिखाओ, मेहनत करती है। जैनब बहुत मसरूफ है। जैनब जैनब क्या हो रहा है बेटा? जैनब की स्माइल कितनी प्यारी। हाँ, जैनब की ठक 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 लगी हुई है, मसरूफ है। अब देखो मैं और शायान को भी देख लें भाई। शायान जैकेट पहनो। जी तो उमर फाइनली करीब करीब पहुंच ही गए है ना? हाँ जी बिल्कुल, हम बस ये रोड क्रॉस करेंगे, सामने जिला पार्क है। तो हम इस टाइम पार्किंग में इंटर हो रहे हैं जिला पार्क। जी बिल्कुल, हम लोगों से ज्यादा तो शायान एक्साइटेड है कि नहीं? आप लोग तो नहीं एक्साइटेड? हाँ जी, हम सैंडी और हम दोनों बहुत एक्साइटेड। जैनब जैनब भी बहुत एक्साइटेड है। अब कहाँ पार्क करेंगे मत? जी अब ये सामने ये देखो कार पार्किंग। चलो मेरी कार लेके रखते हैं टायर। चले जी, अब उतरे हम लोग यहाँ से। जी मुझे लगता है मेरी कार के टायर। शायान देखो गाड़ी लॉक कर दी है। होगी चेकिंग आपकी। चल अब हम यहाँ से एंटर होते हैं। शायान हमारे साथ चलो। बनाती सही। वैसे यहाँ के बड़े मजे के दरख्त है ना सारे, तो बड़े बड़े सुकून आ जाता है। सही बात है, सुकून सा माहौल है और टेंशन रिलैक्स हो जाती है और बस पुरसकून। ये देखें ना लोग बैठे हुए हैं, अपनी फैमिलीज के साथ आते हैं, एंजॉय करते हैं। यार माहौल तो बड़ा पुरसकून है, लेकिन अगर हमारा शायान हमें सुकून लेने दे तो है कि नहीं? शायान नहीं हमें, क्योंकि उसका सारा फोकस ये होता है कि बस झूलों पे जाया जाए। और अभी छोटा है, उसको भेजा भी नहीं जा सकता अकेले, डर लगता है कि कहीं इधर उधर ही ना चला जाए। अभी तो जैनब हमारी भी बेटी छोटी है। हाँ जैनब हैरान होके बॉल को देख रही है, वो बच्चा बॉल से खेल रहा है और जैनब देख रही है। और जो आउट ऑफ सिटी भी आए ना यहाँ पे पिंडी में, तो मैं तो मशवरा दूंगा कि जिना पार्क में आए, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे, पुरसकून। और बच्चों के लिए आगे प्ले लैंड भी बना हुआ है, तो बहुत मज़े का पार्क। और ये कि अब आजकल हम लोगों को ग्रीनरी तो नज़र आती नहीं है, यहाँ पे आके एकदम सुकून सा आने लग जाता है आँखों को। हमारे सिटी के एरिया में जितने भी हैं ना, तकरीबन दरख्त वगैरह बहुत कम, बहुत कम हो गया। बिल्कुल, तो यहाँ पे आके एक नेचुरल आपको माहौल सा मिलता है और बहुत अच्छा टाइम गुजरता है यहाँ। सही बात है। और देखिए अब बच्चे बॉल वगैरह से खेल रहे हैं, लेकिन शायान का फोकस झूलों पे ही है। हाँ। वो उधर ही भागता जा रहा है। ये देखिए जी शायान साहब हेलीकॉप्टर में बैठ के झूला ले रहे हैं। शायान जैनब नहीं बैठ सकती? जैनब भी बैठ जाएगी, लेकिन शायान को बोले ना इसको पकड़े ऐसे। चले जी शुक्र है शायान का थोड़ा मुंह भी बंद हो गया और रिलैक्स हो गया शायान झूले में बैठ के। खैर
खैर तंग तो भी आगे तक इसने बड़ा करना है, लेकिन शायद रिलैक्स हो जाए अब इसको। ज़ैनब ज्यादा खुश है ना। ज़ैनब बाय 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 बाय। अक्षायान की वहां से उतरने के बाद एक नई झूले के लिए जिद। क्या आप जिद कर रहे हैं? एक झूले के बाद आप कह रहे हैं एक और झूला ले। बिल्कुल, अभी तो आप देखें कितने झूलों पे केगा। कोई अच्छा सा लेके देंगे जिसमें एंजॉय करे। रॉकेट वाले पे बैठेगा तो सही, लेकिन टोपी नहीं पहन के आया ये। चले आपको पता है उसमें ठंड कितनी लगती है। आओ आगे वाला लेके दे शायान। शायान का झूला चल पड़ा है। शायान आ जाएगा है ना भाग के थोड़ी। ओ जी, तो ये आ गया हमारा शायान। मजा आया? चलो जी, अब नेक्स्ट मिशन खाने वाला। अब शायान को मार ही पड़ेगी, और तो कुछ नहीं पड़ना। अब शायान का अटैक लाजमी चिप्स की तरफ होगा। शायान की जिद, कुछ ना कुछ लेना है। अगर कहता है चिप्स नहीं लेके देनी तो चले बिस्किट ही ले दें। अब उसके बाबा उसकी जिद पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं। फाइनली कुछ ले ही लिया शायान ने। वाओ, और अब शायान की कोशिश यहाँ चढ़ने की, और बाबा ट्राई करवा रहे हैं कि ज़ैनब भी चढ़ जाए। ज़ैनब, शायान तो चला गया ऊपर। आगे का क्या प्रोग्राम है? आगे का क्या प्रोग्राम है? बस कुछ खिला पिला दे शायान को, तो नहीं उसकी मामा को ही खिला दे कुछ। अब कुछ खाने के लिए चलते हैं, थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट कर लेते हैं। ठीक है, लोग तो भी बैठे ही हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हमारे ख्याल से तो चलना चाहिए क्योंकि ठंड बढ़ती जा रही है ना। मैं यही कह रही हूँ, पार्क तो बहुत बड़ा है, किसी का डिटेल से विजिट करेंगे। हाँ, तो आप लोगों को दिखाएंगे कि पार्क कैसा है। अभी टाइम भी काफ़ी हो गया है, तो सर्दी की वजह से बच्चे हैं साथ। और मैं यही कह रही हूँ कि मुख्तलिफ प्लेसेस पार्क की डिटेल से ज़रा दिखाएंगे, क्योंकि नो डाउट पार्क बहुत ज़्यादा प्यारा है ये वाला। मैं यही कह रही हूँ कि लोग तो भी बैठे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हम बच्चों की वजह से निकल ना पा रहे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। ये यहाँ का सबसे पुराना दरख्त है। इस दरख्त को हम आपको थोड़ा सा दूर से भी दिखाते हैं, अभी तो करीब से आपको इतना नहीं पता चल रहा, लेकिन इसकी चौड़ाई आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। ये तो वो टार्जन ट्री लग रहा है ना। थोड़ा सा हम आगे जाएंगे ना, फिर हम आपको। ठीक है जी। जी ये वो दरख्त है, थोड़ा सा जूम करके दिखाओ। ये वाला, हाँ ये वो काफी फैला और काफी पुराने। बाकी भी दरख्त यहाँ काफी पुराने हैं, लेकिन इसकी काफी ग्रोथ है। और यहाँ पे ओवरऑल मैंने आपको बताया है ही ग्रीनरी। अब हम यहाँ से बाहर निकल के जा रहे हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे हम क्या करेंगे।
जी तो फाइनली हम पहुंच गए हैं दही भलो वाली जगह। उमर अब ये उमर की प्लेट स्टार्ट। हम इस टाइम आए हैं बनी बाजार, बनी रोड पे आए हुए हैं। रावलपिंडी का इलाका है, राजा बाजार से अंदर आओ तो बनी का एरिया शुरू होता है। तो दही भले बहुत यम्मी से हैं, मानो जरा दिखाना। ये देखें भला कितना नरम और नहायत ही टेस्टी। दही भी इनका बहुत मजे का होता है जी। और हम लोगों का फेवरेट है, अगर हमने दही भले खाने हो तो हम यहाँ के ही खाते हैं। जरा खाएं आप। हाँ जी बताएं कैसे लगे। As usual, बहुत मजे के और बहुत जबरदस्त यम्मी। चलें ठीक है, अब आप खा रहे हैं, इसके बाद मैं भी खाती हूँ और शायान को भी खिलाते हैं।